दोस्तों सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आप हमसे अनअकैडमी पर जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करते ही आप हमसे जुड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब सॉल्यूशन चैनल पर। दोस्तों आरआरबी एलपी टेक्नीशियन का शिफ्ट 2 का 9 अगस्त 2018 का पेपर कंडक्ट हो चुका है। दोस्तों किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए, कट ऑफ कितना जा सकता है, पूरी एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में मिल जाएगी शिफ्ट 2 की। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़ो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का लाल बटन मिलेगा, उसे क्लिक कर दीजिए, बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस और पूरी एग्जाम एनालिसिस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, इसका एग्जाम पैटर्न टोटल 75 सवाल पूछे जाते हैं, 60 मिनट में आपको एग्जाम सॉल्व करना है या दोस्तों, और यहाँ पर 3 सवाल गलत करने पर आपका 1 अंक काटा जाता है। दोस्तों जो एग्जाम का पैटर्न था, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आया था शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 1 की तरह जी। दोस्तों शिफ्ट 1 का भी जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। यहाँ पर मैथमेटिक्स इजी लेवल का पूछा गया था, जनरल साइंस इजी लेवल का आया था, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग डिफिकल्ट लेवल की आई थी, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स मॉडरेट लेवल का पूछा गया था जी। दोस्तों ओवरऑल हम देखें इसका लेवल तो मॉडरेट लेवल का पेपर आया था शिफ्ट 2 का, और शिफ्ट 1 का भी मॉडरेट लेवल का ही पेपर पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से कितने सवाल पूछे गए, किस टॉपिक से। तो दोस्तों एनालॉगी से पूछे गए 2 क्वेश्चंस, ऑड वन आउट से 1, सीरीज से 3, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 1, डायरेक्शन से 2, सीक्वेंस से 1, कोडिंग डिकोडिंग से 2, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2, मैट्रिक्स से 1, ब्लड रिलेशन से 2, मिरर इमेज से 2, वेन डायग्राम से 1, पेपर फोल्डिंग इमेज से 2, अदर्स, ऐसे 3 क्वेश्चंस, ऐसे टोटल 25 क्वेश्चंस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से पूछे गए। दोस्तों हम अब देखते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। दोस्तों पॉलिटी से 1 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से 3 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा सवाल पूछे गए है जी दोस्तों, और पिछले 6 मंथ का जिस दिन आपकी एग्जाम है उसके पिछले 6 मंथ का आपको करंट अफेयर्स करना है और उसी से सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों अब देखते हैं मैथमेटिक्स, रेशो से 2 क्वेश्चंस आए थे, एवरेज से 2, नंबर सिस्टम से 2, सिंप्लीफिकेशन से 1, टाइम एंड वर्क से 2, स्पीड एंड डिस्टेंस से 2, SI एंड CI से 2, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है जी हाँ। दोस्तों पिछले शिफ्ट 1 में भी इससे कोई भी सवाल नहीं पूछा गया था। ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन, ऐसे 20 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। और यहाँ पर हम देखते हैं जनरल साइंस, जिससे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, टोटल 20 सवाल पूछे गए। फिजिक्स से 5 सवाल, केमिस्ट्री से 4 सवाल, लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी से 6 सवाल, और जो मिसलेनियस सवाल है 5 ऐसे सवाल पूछे गए जी हाँ। दोस्तों और ओवरऑल जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है शिफ्ट 2 की 9 अगस्त 2018 की, जनरल के लिए 41, ओबीसी के लिए 38, एससी के लिए 36 और एसटी के लिए 35 जी हाँ। दोस्तों ये रही आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ और पूरी एग्जाम एनालिसिस शिफ्ट 2 की, और आगे आने वाली जितनी भी एग्जाम एनालिसिस है, आगे आने वाली जितने भी शिफ्ट है, सभी के क्वेश्चंस आप तक पहुंच जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक शेयर, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।